तुम्हें सारी बातें मेरे तरीके से सोचनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगता है, आराम से ऑफलाइन में सुनना, कॉपी पे बैठ के तसल्ली से या बोर्ड पे, अभी बस बना लो। अब सुनिए भाई ध्यान से, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था, और मिरर फॉर्मूले में हमने पढ़ा था वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू, है ना। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुन लो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मेरे पास मिरर है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ है, मान लो इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और जो ऑब्जेक्ट है ये रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर पे। आपको निकालना है फाइंड इमेज डिस्टेंस। अब अगर मेरे को इमेज डिस्टेंस निकालनी है फाइंड वी, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू लगेगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं वन अपॉन वी की वैल्यू निकालूं तो आएगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो v बराबर आ जाएगा u u इंटू में f अपॉन में u माइनस एफ। एक सेकेंड, तो v बराबर आ गया u इंटू एफ अपॉन में u माइनस एफ। यहां से इसको सॉल्व कर लेना, अब इतना याद रखना इसको तुम, ठीक है भाई। डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो और इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो। अब एक बात सुनो, यहाँ पर जो यू लेंगे वो माइनस 60 हो जाएगा एफ, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस 30 हो जाएगी। सॉल्व करते हैं तो यू बराबर आ गया माइनस 60 इंटू में माइनस 30 अपॉन में यू, यू की वैल्यू माइनस 60 माइनस माइनस प्लस एफ की जगह 30, 900 हो जाएगा ये, 1800 अपॉन में ये हो जाएगा मेरे पास कितना माइनस 30, ये जीरो से जीरो कट गया, माइनस 60 सेंटीमीटर, सही कर रहे ना, बोलो सही है क्या? यस सर। गड़बड़ सुन, 6 18 1800 अपॉन में माइनस 60 प्लस 30, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस 60। सीधी सी बात है, वो तो आपको भी पता है कि अगर हमारे पास, देखो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, आर पे, और आर कितना होता है 2f होता है। अगर f की वैल्यू 30 है तो r की वैल्यू 60 हो गई, और ऑब्जेक्ट भी 60 पे ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर ऑब्जेक्ट से जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज वहीं पे बनती है। तो ये आ गया मेरे पास, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगली बात सुनो, क्वेश्चन नंबर टू, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, फिर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये मान लो मेरे को इसकी फोकल लेंथ दे रखी है इस बार 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट रखा हुआ ये रहा कितने पे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको बतानी है इमेज की दूरी, बतानी है इमेज के बारे में, इमेज कितने है। तो आपको पता है यहाँ पर u बराबर हो गया बच्चों -30, f बराबर हो गया -10, v बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस, u बराबर हो गया -30, f की जगह हो गया -10 अपॉन में u की जगह -30 माइनस माइनस प्लस 10, ऊपर हो जाएगा 300 अपॉन में -20, ये कट गया -15 सेंटीमीटर, बोलो सही है क्या? अरे जल्दी बोलो भाई, इसका मतलब इस बार जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी कहीं इसकी, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट ये रहा फोकस, फोकस 10 पे गया तो इमेज यहां से आगे यहां कहीं बनेगी 15 पे, ये रही, ठीक है। अब इसके बाद उस साइड पर आ जाता हूं, जरा ध्यान से देखना, अब बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन या फिर इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सीधे कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन करा दे दो। चलो भाई करना, हो गया ये? यस सर, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ, सुनिए भाई बड़े ध्यान से।
क्या हो गया? पहले लड़ रहे हो भैया, सुनो सुनो सुनो। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। अरे माइक ऑफ कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो, अरे भाई ये मेरे पास एक मिरर है ना, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर। कोई बीम ऑफ रे आ रहा है ये रहा, ये, और ये बीम ऑफ रे यहां पर इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये दूरी है जहां पर ये कट कर रहा है वो मान लो 20 सेंटीमीटर दे रहे, या मान लो कितना 30 सेंटीमीटर मान लो। अब आपको वी निकालना है भाई, सुनो ध्यान से। यहां पर एक रे आ रही है और वो रे जाके ऑब्जेक्ट कहाँ है नहीं पता, है ना। तो ये रे दे रखी है, ये रे आई इस मिरर पे और फिर वो जाके पीछे यहां मिल रही। तो होता क्या है यहां पर, जब कोई रे इस मिरर पे गिरेगी और ऑब्जेक्ट का हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस रे को पहले मिला लेते हैं पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर वो मिलती है वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको इसकी इमेज की दूरी बतानी है, कहां इमेज बनेगी इसकी। बहुत सिंपल तरीका होता है भाई, यहां पर हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो, इस बार यू की जगह आपको लेना पड़ेगा +30। एफ कितना हो जाएगा यहां पर? -10। +30 क्यों लिया है? क्योंकि इस बार ये इससे इस तरफ राइट की तरफ मेजरमेंट की जा रही है ना, ठीक है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है। V इज इक्वल टू यू इन टू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। यू की जगह मेरे को दे रखा है 30, एफ की जगह -10 अपॉन में यू की जगह 30, और एफ की जगह माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 300 अपॉन में 40। ये कट जाएगा यहाँ पर 15/2 7.5। इसका मतलब -7.5। अगर ये माइनस में आ रही है वी की वैल्यू, इसका मतलब किधर बनेगी, लेफ्ट की राइट? लेफ्ट बनेगी। इसका मतलब ये यहां से कटने के बाद यहां जाएगी और ये इसकी इमेज बन गई। कितनी दूरी पर यहां से? 7.5 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब आपको कोई रे वगैरह दे रखी हो ना मिरर पे गिरती हुई, और आपको वहां पर ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो समझ जाना उस रे से उसको आगे मिला देना, और जहां वो मिलेगी उस पॉइंट को आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेंगे उस मिरर के लिए, ठीक है जी। अब जरा एक और सुनो बड़े ध्यान से। ये यहां पर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि कितना कहां पर आएगी। इसको साफ कर लो फिर। यस सर। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना एक बार है। अब मेरे को क्योंकि ना ऐसे तो याद नहीं है भाई, तुम्हारे सामने देखो रैंडमली बनाएंगे और कर लेंगे, कंसेप्ट हमें भी याद रखना है। देखो क्या है क्वेश्चन में, ये दे रखा है इस बार आपको, एक ये रहा मिरर, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ये दे रखा है आपका एक कॉनकेव मिरर, दोनों कॉमन एक्सिस पर है ये, ठीक है। और इस वाले की अभी मेरे को पता नहीं है, मैं वैल्यू चेंज भी कर दूंगा इसलिए परेशान मत होना भाई। फोकल लेंथ दे रखी है इसकी मान लो 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, मान लीजिए आप रखा हुआ है कितने पर, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है ये रहा, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब यहां पर इसका ऑब्जेक्ट से पहली रे गई, ये गई ऐसे जी, पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और फिर सेकंड रिफ्लेक्शन यहां पर होगा। पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ है, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां पर होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आपको बस यहां पर बताना हमें यह है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो इमेज कहां पर बनेगी आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन बना के देखा है, करते हैं देखते हैं भाई। पहला रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन यहां होगा,
तो सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। चलो पहले वाले के लिए सॉल्व करते हैं, फॉर फर्स्ट मिरर के लिए, अगर बन गया तो बढ़िया है। फर्स्ट मिरर फोकल लेंथ हो गई इसकी कितनी, कॉनकेव है तो -30, यू बराबर हो गया -10, ठीक है। अब यहां पर v बराबर आ जाएगा u इंटू एफ अपॉन में u माइनस f, u की वैल्यू बच्चों -10, f की वैल्यू -30 अपॉन में u की वैल्यू -10 और f की वैल्यू कितना -30 -+ ये 30 हो जाएगा। तो ये हो गया 300 अपॉन में 30 में से 10 गए 20 अपॉन, ये 15 सेंटीमीटर आ गया, प्लस का आ रहा है। अब ये प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये सिर्फ प्लस का आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये रे गई यहां से और ये रे वापस इधर चली गई, सही है कि गलत है भाई, ये रे गई इधर से टकरा गया और ये इधर चली गई, इसका मतलब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां कहीं मिली होगी, तो ये पहले वाले की इमेज बन गई कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर पर, सही है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, हाँ। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है मान लो आपको 50 सेंटीमीटर इन दोनों मिरर की, ये समझ में आ गया मैंने क्या करा। अब क्या होगा, अब सुनो भाई, अब ये जो रे जाएगी ये इस वाले मिरर पे गिरेगी, अब जब ये रे ये जो जा रही है इस वाले मिरर पे गिरेगी तो इस वाले की फोकल लेंथ मेरे को पता है, इसकी इमेज डिस्टेंस मेरे को बताने, लेकिन इसका यू नहीं पता मेरे को। अगर इसका यू नहीं पता तो जब कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन करते हैं ना किसी भी प्रकार के, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा पहले वाले ऑब्जेक्ट की जो पहले वाले मिरर की जो इमेज है, पहले वाले मिरर की जो इमेज है वो दूसरे वाले के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसका मतलब इस वाले मिरर के लिए तो ये रे कहां से आती हुई नजर आ रही है आपको, यहां से I1, सही है क्या। तो देखना जरा, फॉर मिरर टू, मिरर टू I1 एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, I1 वाला जो है वो इस वाले मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका मतलब अब इस वाली के लिए हम लोग जो यू लेंगे वो यू कितना लेंगे वो सुनो बड़े ध्यान से, मेरी बात सुनना कैसे साइन कन्वेंशन लिया जाता है, ये इसका पोल है ये इसका पोल है, अब ध्यान से सुनना। अब ये वाली रे जो जा रही है इंसिडेंट रे जा रही है इस तरफ, मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, इंसिडेंट रे इधर ही तो जा रही है, ये ऐसे जा रही है ना मतलब इस तरफ, तो इंसिडेंट रे इधर जा रही है इस बार, देखिएगा यहां लिखता हूं ये जा रही है इंसिडेंट रे, अभी देखना तो मैं इस सारे चक्कर खा जाएगा तुम्हारा, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, सॉरी टकरा के यहां से इस तरफ जा रही है, आपकी इंसिडेंट रे इधर जा रही है। अब आपको इस दूरी को मेजर करना है, तो ये दूरी किस तरफ है, यहां से इस तरफ है, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है लेकिन आप इस तरफ मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है लेकिन आप इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो बताओ कैसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, अपोजिट, इंसिडेंट इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं दूरी तो उसको नेगेटिव लिया जाता है, तो एक जो परसेप्शन है या मान लो एक ये मिसकंसेप्शन जो हमने दिमाग में बनाया था अभी तक कि हाँ मेरी बात सुनो, जो हमने मिसकंसेप्शन बनाया था दिमाग में कि राइट वाले पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट वाले नेगेटिव होते हैं वो दूर हो जाना चाहिए तुम्हारा, क्या असली वो रहता है हमारे पास कन्वेंशन के लिए कि जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे, जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे उस तरफ वाले उसकी डायरेक्शन वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं और इंसिडेंट रे के अपोजिट वाले डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ गई, ये वाली असली ये बोला जाता है, जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे उस तरफ वाले डिस्टेंस पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाले नेगेटिव, ये असली होता है हमारे पास, समझ गए क्या ये बात थोड़ा बहुत। सर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में भी तो मेजर कर सकते हैं, मतलब I1 से P1 तक भी तो मेजर कर सकते हैं। अरे तो दूरी तो हमेशा P1 से मेजर होगी ना,
हमेशा पोल से ही तो नापोगे, इमेज से थोड़ी ना नापोगे, मिरर से नापते हैं हम, तो मिरर के पोल से मेजर होगी। तो एक बात बताओ, अरे बाकी लड़के भी बोल दो भाई, हाँ या ना तो बोल दो, मुझे पता है थोड़ा टफ है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को बता दिया करो ना मुझे कि सर इस तरीके से पढ़ाओ, हल्का हल्का पढ़ा दो, मैं तो वही तो मैं वैसे ही करूंगा ना, देखना अभी बताया करो तुम लोग यार। इस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे, मतलब इस तरफ, और आप मेजर कर रहे हैं इस तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर यू कैसा हो जाएगा, इसका अपोजिट में तो नेगेटिव। अब कितना हो जाएगा यू, ये 50, इसको 50 की जगह 45 कर लो, 45, ये 45 और ये 15, तो कितना हो गया 60। तो यू हो गया यहाँ पर -60। अब ये कौन सा मिरर है ये बताओ, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स का जो एफ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये +20 हो गया, सही है। अब बस वी का फॉर्मूला लगा दो, U इंटू एफ अपॉन में यू माइनस एफ, यू की वैल्यू -60, एफ की वैल्यू 20, यू की वैल्यू -60, एफ की वैल्यू 20, -6 × 1200 अपॉन में -80, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 × 3 = 12, 0, 4 × 8 15 सेंटीमीटर आ गया प्लस का। अब प्लस का 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब पोल से इधर बनेगा कि इधर बनेगा? सर राइट में, मतलब इस तरफ बनेगा ना, प्लस का है ना, क्योंकि हम तो इंसिडेंट रे के हिसाब से देखेंगे, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15 पर, ये 10 है यहाँ पर, तो ये 15 कहीं यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आ जाएगा ये इमेज, जो फाइनल इमेज बनी है I2, यहाँ से कितनी दूरी पर 15 सेंटीमीटर। अगली बात समझ में? तो ऐसे खतरनाक भी हो जाते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन, फिर उसमें ये काम नहीं चलता आपका। 12th के बाद 1/f से सीधा कर दो, उसमें क्या करना होता है, रे डायग्राम बनाना होता है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि भाई ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज कहाँ पर है, अगर इमेज यहाँ बन रही है तो दूसरे वाले के लिए वो क्या काम करेगी, ऐसे रहता है। थोड़ा टफ हो गया मैं मानता हूँ, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन भी हो गया लग रहा तुम्हारे लिए, समझ में आया कुछ? यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिकॉर्डिंग देख लेना आराम से समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो मेरे से फिर पूछ लेना, ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है मंगलवार। तो एक तो मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, और एक ये दूसरा हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन था कि हमेशा पोल से राइट वाले पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट वाले नेगेटिव, वो भी सही करना है हमें। क्या है असली तरीका, जिस तरफ जा रही है इंसिडेंट रे उस डायरेक्शन में दूरी नापेंगे पोल से तो पॉजिटिव, अगर उसके अपोजिट में नापेंगे तो नेगेटिव। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सही है क्या? चलो भाई अगली बात पे आ जाते हैं, इसको साफ कर देता हूँ। एक बार आप समझना, जब क्वेश्चन करते हैं ना, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा पर ये अच्छा है क्वेश्चन, इसमें मैंने 2-3 बातें बतानी थी इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अगला टॉपिक है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर के लिए पढ़ते हैं। तो एक बात याद रखना मिरर में आप, सबसे पहली कि m बराबर होगा साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और बराबर होगा -v अपॉन u। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u, मतलब m बराबर hi अपॉन में ho बराबर -v/u। यहां पर आप जो भी कुछ रखोगे सब कुछ साइन के साथ, सब कुछ साइन के साथ, समझ गए ये बात? मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना भाई, है ना, और समझ में आ जाएगा पक्का है। अब हमारे पास मान लीजिए एक मिरर है, इसको फॉर्मूला जो है ना, ये जो फॉर्मूला है m का, u और f और v और f की टर्म्स में भी लिखा जाता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार u से मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बनाते हैं, एक बार v से, कहो तो वो लिखाओ, नहीं तो सीधे न्यूमेरिकल में तो वो यूज होना नहीं, सीधे न्यूमेरिकल करा लो।
ओके सर कुछ ठीक है कुछ नहीं बोल रहे चलो मैं पढ़ा दो सुनो भाई पहली बात वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी पूरा बढ़ाते हैं ऐसे ठीक है इसको वी से मल्टीप्लाई करो पहले तो वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बाई एफ वी बाई वी प्लस वी बाई यू हो गया ये वी से वी कट गया बच्चों ये प्लस का वन हो गया तो इधर आ गया माइनस वन तो वी बाई यू की वैल्यू आ गई वी बाई एफ माइनस वन अब इस v बाई यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो m का फॉर्मूला आ गया m बराबर एच आई अपॉन में एच ओ बराबर माइनस ब्रैकेट में v बाई एफ माइनस वन सही है क्या अब चाहो तो आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m का फॉर्मूला आ गया वन माइनस वी अपॉन में एफ ये m का फॉर्मूला लिखा गया है इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबको ये बात क्लियर हो गई ये था v और u की टर्म्स में वो है v और f की टर्म्स में अब जो लिखने वाला हूं वो u और f की टर्म्स में तो आपको मिरर फॉर्मूला पता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू अब पूरे फॉर्मूले को एक बार u से मल्टीप्लाई कर दो तो u बाई एफ बराबर u बाई वी प्लस में u बाई यू u बाई यू वन हो जाएगा ये तो u बाई एफ बराबर आ गया u बाई वी प्लस वन प्लस का वन है तो इधर आएगा तो माइनस वन तो u बाई वी बराबर हो गया u बाई एफ माइनस वन इसको मैं और सॉल्व करता हूं तो आएगा u बाई वी बराबर u माइनस एफ अपॉन में एफ अब मेरे को v बाई यू की वैल्यू पुट करनी है तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं जैसे मैं इसको उल्टा करूंगा तो यहां से v बाई यू बराबर आ जाएगा f अपॉन में u माइनस एफ अब इस v बाई यू की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इस वाले में तो क्या आ जाएगा m का फॉर्मूला m बराबर माइनस f अपॉन में u माइनस एफ चाहो तो नीचे से माइनस कॉमन ले लो इसमें से तो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास m बराबर f अपॉन में f माइनस u ये हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ u एंड f और जो मैंने इधर लिखा है ये इन टर्म्स ऑफ v एंड f और वो जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ v एंड u कुछ आया भेजे में बताओ भाई तो आप लोग बोलोगे नहीं मुझे पता है यार तुम लोगों का नेचर पहले से सर आ गया समझ है ना सर ओके है ना ठीक है तो बोल दे अगर बस आ गई ना मेरे अब तो मैं आदत तो पता है यार ऑनलाइन में पूछना पड़ता है दस बार और अब आ जाते हैं एक सेकंड थिंक ना यार इसकी बार बार अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और आगे मैं पढ़ाता हूँ इसका एक दो न्यूमेरिकल कराता हूँ इसके ऊपर आप कैसे पहचाने क्या करें मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना है ना तो देखो यार अब सुनो इसका स्क्रीनशॉट ले लो हो गया अब सुनो अब देखना जरा देखो जरा भाई ध्यान से टॉपिक का इसके ऊपर न्यूमेरिकल बता दूं कैसे देखा जाएगा कैसे करा जाएगा ये मेरे पास एक मिरर है इस मिरर की ये फोकल लेंथ है फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 10 सेंटीमीटर ये रहा अपने पास एक ऑब्जेक्ट ठीक है तो ये रहा ऑब्जेक्ट इसका नाम है ए बी ऑब्जेक्ट है मान लो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है ना साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है ये दे रखा है मेरे को 30 सेंटीमीटर अब आपको बताना है सब कुछ बताना है इमेज के बारे में नेचर साइज सब कुछ बताना है इमेज के बारे में है ना तो कैसे क्या क्या करना है सुनिए बड़े ध्यान से यहां पर बच्चों यू हो गया माइनस 30 क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो एफ हो गया माइनस 10 ठीक है सबसे पहले वी निकाल लो वी कैसे निकालेंगे यू इंटू एफ अपॉन में यू माइनस एफ यू की वैल्यू माइनस 30 इंटू में माइनस 10 अपॉन में माइनस 30 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 300 एंड डिवाइडेड बाई माइनस 30 प्लस 10 मतलब माइनस 20 मतलब माइनस 15 आ गया सही है क्या
अब मैं जो बातें बोलूंगा ना ध्यान से सुनना, रिकॉर्ड भी हो रही है ताकि और आगे आपको हेल्प भी करेगा ये। अब कुछ बातें और, एच आई बाई एच ओ बराबर माइनस वी अपॉन यू होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर एच आई मेरे को निकालना है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो इसको हम प्लस लेंगे तो ये 5 हो गया माइनस एज इट इज, वी की जगह हो गया माइनस 15, यू की जगह हो गया माइनस 30। देखो मैं बिल्कुल सब कुछ साइन के साथ रख रहा हूँ प्रॉपर, तभी आंसर आएगा आपका। तो एच आई अपॉन में 5 बराबर हो गया 15 अपॉन में माइनस 30, तो 1/2 ढाई, तो एच आई बराबर आ गया माइनस 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूं, पहले तो मुझे ये बताओ कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है सर। हाँ, तो कैसी कैसी इमेज बनी? स्मॉल है ना, और इन्वर्टेड है ना। अच्छा एच आई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इन्वर्टेड। अच्छा रियल है कि वर्चुअल? रियल, यहाँ पे लिखूंगा स्मॉल है इन्वर्टेड है, और रियल है कि वर्चुअल? तो रियल है या वर्चुअल उसके लिए मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर यहाँ पे लिख रहा हूं यू एंड वी का साइन सेम है तो रियल इमेज है, ये याद रखना हर जगह एप्लीकेबल होता है और बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर यू एंड वी का साइन अपोजिट है अपोजिट है तो बनेगा वर्चुअल, ठीक है। अच्छा अगर वर्चुअल बनती है, अगर कैसी बनती है? वर्चुअल, वर्चुअल जब बनती है तो वर्चुअल में क्या होता है हमेशा याद रखना इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट बनने का मतलब जिस तरफ, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी ऊपर की तरफ ही बनेगी, और अगर रियल बनेगी तो रियल है तो इन्वर्टेड है, याद रखो रियल इमेज है तो कैसी है? इन्वर्टेड, सही है भाई। रियल है तो इन्वर्टेड, वर्चुअल है तो इरेक्ट, दो चीजें तो सीधे सीधे पता चल जाती है भाई, रियल है कि वर्चुअल है। अब देखो यहां पर यू का साइन माइनस है और वी का साइन कैसा था? ये भी माइनस है। यू और वी अगर दोनों सेम साइन वाले हैं तो सेम साइन में आपको याद रखना कैसी इमेज बनेगी? रियल, रियल है तो इन्वर्टेड है। अब छोटी है या बड़ी है वो आप निकालोगे क्या? एम निकाल के, और या फिर एच आई की वैल्यू निकालो, मैं तो ये कहता हूँ एच निकालो सीधा। तो साइज ऑफ इमेज देखो छोटा आ रहा है 2.5 आ, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 5। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई आपको जो मैंने बोला है? तो रियल या वर्चुअल देखने के लिए आप क्या याद रखोगे मेरी बात में, कि अगर यू एंड वी का साइन सेम है तो रियल इमेज है, अगर यू एंड वी का साइन अपोजिट है, एक प्लस का है दूसरा माइनस है, तो वर्चुअल इमेज है। सिंपल सा तरीका है रियल वर्चुअल के लिए, कंफ्यूजन गलती कभी हो ही नहीं सकती, सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसको, एक बार साफ कर दूं इसको। चलो भाई एक बात बताओ, अब देखना दोबारा से, दोबारा से चालू करते हैं सेम चीज। ये रहा कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये रहा 30 सेंटीमीटर। चलो चालू करते हैं शुरू से, है ना। बताओ यू कैसा हुआ यहाँ पर? पॉजिटिव। यू पॉजिटिव की नेगेटिव भाई? पॉजिटिव। चलो तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे जाएगी इस तरफ, तो बताओ अब यू कैसा हुआ? भाई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तो रे तो इधर से जाएगी, अगर रे इधर जा रही है लेकिन पोल से आप इधर आ रहे हो, तो भाई जब भी रिफ्लेक्टिंग साइड पर है तो यू नेगेटिव है, रिफ्लेक्टिंग साइड पर तो यू नेगेटिव है भाई, पॉलिस वाली साइड में है तो यू पॉजिटिव, फिर सोचना है पड़ेगा अगर कंपटीशन में हो या ट्वेल्थ में। तो फिर मैं बोलता हूँ सुनो, इधर जा रही है इंसिडेंट रे लेकिन आप पोल से इधर आ रहे हो, तो इसलिए यू कैसा हो गया? माइनस 30।
अच्छा कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें सोचना ही नहीं है, प्लस 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी, प्लस की होगी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में, सोचना ही नहीं है। अच्छा जी तो v कितना हो गया, u इंटू एफ अपॉन में u माइनस एफ, u की जगह माइनस 30, f की जगह 20, u की जगह माइनस 30, f की जगह 20, तो ये हो गया माइनस 600 अपॉन में माइनस 50, कैंसिल जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ सबसे पहला क्वेश्चन, रियल है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल देखो यू का साइन कैसा है, नेगेटिव, और वी का साइन कैसा है, पॉजिटिव। अगर यू का साइन और वी का साइन अपोजिट है तो वर्चुअल है। अच्छा वर्चुअल है तो साथ में एक चीज और कंफर्म हो गई, क्या है, इरेक्ट। इरेक्ट है। अब छोटी है या बड़ी है उसके लिए सॉल्व कर सकते हैं कैसे, वो देखो m बराबर होता है माइनस वी, सॉरी m बराबर हो गया h i अपॉन में h ऑब्जेक्ट बराबर माइनस v अपॉन में u। h i कितना है मेरे को निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना है 5, माइनस v की वैल्यू कितनी है 12, u की वैल्यू कितनी है माइनस 30, कट गया माइनस से माइनस, 5 इंग 30, 6 दुनी 12, एच आई बराबर आ गया 2। 2 कैसा है, प्लस का है कि माइनस का है? प्लस। तो देखो अपने आप पता चल गया ना कि सीधी बनेगी, ऊपर की तरफ बनेगी, सही है कि गलत है भाई? निकल गया देखो अपने आप, प्लस का आ रहा है इसका मतलब ऊपर बनेगा, और वो मैंने लिख दिया पहले इरेक्ट है। अब बताओ छोटी है कि बड़ी है, स्मॉल। इमेज का साइज 5 है और ऑब्जेक्ट का 2 है, तो ये स्मॉल साइज बन गया, स्मॉल। अच्छा पहले मैंने लिखना था यहाँ पर वर्चुअल, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल, ठीक है जी। तो ऐसे ना आप लोगों को जैसे हम लोग क्या करते थे 9 10th में, क्या करते थे, m नेगेटिव देखो फिर, हाँ वर्चुअल है तो वर्चुअल, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, हाँ वर्चुअल है तो इरेक्ट, सॉरी भाई वर्चुअल और इरेक्ट है ना, और स्मॉल है, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल, तो अब हमें क्या याद रखना है, ऐसे m के साइन वाला कि m पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, m एक से छोटा होगा एक के बराबर होगा एक से बड़ा होगा, उससे ज्यादा अच्छा है आप ऐसे याद रख, कभी गलती नहीं हो, क्लियर है क्या ये बात? यस क्लियर है। आगे बढ़ दे, इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर के लिए तो देखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब क्या करना है सुनो बड़े ध्यान से, स्फेरिकल मिरर के लिए कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनना, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू होता है वन अपॉन एफ, होता है, सही है भाई। अब देखो जरा, अब यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना है, मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, तो समय के साथ v में भी चेंज आएगा, तो डिफरेंशिएशन करा है यहाँ पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या करेंगे, d बाई डी टी ऑफ वन अपॉन वी प्लस में d बाई डी टी ऑफ वन अपॉन यू बराबर d बाई डी टी ऑफ वन अपॉन एफ। क्या बच्चों अगर कोई गाड़ी में शीशा लगा हुआ है, कोई मिरर है, तो क्या अगर हम उसके पास दौड़े या दूर दौड़े तो u और v में तो चेंज आएगा लेकिन उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया जीरो, सोचना ही नहीं है। अब बचा ये वाला, अब ये वन अपॉन वी है, अगर वी होता तो कोई समस्या नहीं है, वन अपॉन वी है तो फिजिक्स मैथ के अंदर एक क्वेश्चन रूल पढ़ाया जाता है, डिवाइड वाला रूल पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन में, पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते भाई? यस सर। ठीक है तो वही रूल हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, सबसे पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करना है कि नीचे वाले को, ऊपर वाले डिफरेंशिएशन,
माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन में वी स्क्वायर। सही है भाई। तो देखो मैं फिर भी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो भाई ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा पहले वन, सही है ना? Yes. नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी टी प्लस सॉरी माइनस है ना, अब वी ऊपर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वन हो जाएगा भाई, बात समझ गए क्या? वन अपॉन वी का डिफरेंशिएशन अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर प्लस यही होता है ना भाई। अब यहां पर ऊपर वाला एज इट इज डी यू बाई डी टी आपको तो लास्ट में रटना है, फिर बता रहा हूं सारे लोग, माइनस अब यू एज इट इज आ जाएगा डी वन बाई डी टी हो जाएगा यहां पर अपॉन में यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यही होता है ना? अच्छा डीवी बाई डी टी ये सब हो गया हमारे पास। अब बताओ ये यहां पर बचा कितना, वन अपॉन वी स्क्वायर इंटू में डीवी बाई डी टी बचा यहां पर प्लस यहां पे बचा वन अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा, बराबर जीरो के आ गया। बच्चों ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वन अपॉन वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी बराबर माइनस वन अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी खुद ही लिखा दूंगा कौन सी चीज क्या क्या है। ये वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो डीवी बाई डी टी बराबर आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में डी यू बाई डी टी। अब वी क्या है, वी है पोजिशन ऑफ इमेज और डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोजिशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में ये डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर ये वी जो है वो इमेज की वेलोसिटी के लिए है, ये वाला वी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के लिए है, ये वाला है इमेज डिस्टेंस के लिए और ये वाला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, सही है क्या? यस सर। ठीक है अब ये हो गया हमारे पास। अब एक छोटी सी बात समझे, एक छोटी सी बात समझे, बड़े ध्यान से सुनना। देखो कैसे क्वेश्चन करा जाता है, क्वेश्चन ये रहा, मान लो ये कोई मिरर है मेरे पास। हाँ बोलो बोलो। सर डेरिवेशन याद करनी पड़ेगी? नहीं डेरिवेशन की जरूरत नहीं है भाई, ना तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं आएगा, मैं तो तुम्हें बता तो रहा हूँ सीबीएसई में नहीं आएगा। वैसे अगर डिफरेंस देखो इसमें इसमें कुछ नहीं था, इसमें मैथ थी केवल और मैथ का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था। अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है जिसको, तो उसको तो कुछ भी नहीं लगा होगा ये, अरे वह समझ में। और जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ उसको थोड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है हाँ यू स्क्वायर लिख रहा हूँ भाई, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, सही है। ठीक है ठीक है भाई, अब तो अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन बताता हूँ इसमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना फिलहाल तो तुम लोग। ठीक है अब यहां पर जो मेरे को फॉर्मूला यूज करना है इस वाले पे, एक क्वेश्चन बताता हूं। देखो भाई हमें पता है वी आई बराबर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर इंटू में वी ओ। असलियत में ये जो v है इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस इसको, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये आपको कंपटीशन में कुछ काम आता है, वैसे तो सीबीएसई में तो हम यही मानेंगे कि मिरर नहीं चल रहा है ना। अब देखो इसका मतलब असलियत में मेरे को इस फॉर्मूले को लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे करके असलियत में माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसे होना चाहिए वैसे ये फॉर्मूला। सही है भाई,
लेकिन हम ऊपर वाले से भी काम चला लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इस पर। क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है मेरे को +20 सेंटीमीटर, प्लस ही होती है इसकी। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रहा मान लो ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है जो ये मिरर जो है ये रेस्ट पर है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरह भाग रहा है वो भी कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। सही है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह भाग रहा है मिरर की तरफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। तो देखना जरा कैसे करता हूं, अगर मैं आपको बताऊं ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बताओ यू कितना दे रखा है, -30, एफ हो जाएगा +20। पहले वी निकाल लो बच्चों, वी कैसे निकालेंगे, वी बराबर हो जाएगा यू इंटू एफ अपॉन में यू माइनस एफ। यू की वैल्यू -30 इंटू में 20 अपॉन में -30 -20 -600 अपॉन में -50। ये कट गया, ये कट गया, 12 सेंटीमीटर आ गया प्लस का, जो वी आ गया वो प्लस का आ गया। अब मैं एक अच्छी बात सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है ना, इस वाले फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं ताकि साइन कन्वेंशन में भी गलती ना हो। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, मिरर की वेलोसिटी 0 है बराबर माइनस वी की वैल्यू कितनी है, वी की 12 का स्क्वायर अपॉन में यू की वैल्यू कितनी है -30, तो -30 का स्क्वायर इंटू में ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट। अगर राइट की तरफ है तो प्लस लगाना है, +2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट में है तो प्लस और लेफ्ट में है तो नेगेटिव, वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन ऐसी रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, तो अब यहां पर क्या रख देंगे, यहां पर 2 और -0। चलो भाई, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो गया -144 अपॉन में 900 इंटू में 2। बोलो सही है क्या? Yes. अच्छा, ये कटेगा भी तो -144 अपॉन में 450 जब सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा, सॉल्व करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड में। अब बताओ जरा मेरे को सारे बच्चे सोच के कि ये इमेज किस तरफ आ रही होगी, लेफ्ट की राइट, जल्दी बोलो भाई। सर लेफ्ट है ना, तो इमेज जो है ना कुछ ऐसे आ रही होगी। देखो संभव भाई, पहले ये कहां पर बनी होगी इमेज, 12 पे थी, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये इमेज है ना 12 सेंटीमीटर पे। अब जैसे जैसे ये इस तरह भागा होगा वैसे वैसे इमेज इस तरफ भागी होगी, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस तरफ है। क्लियर है ये बात तुम लोगों? यस सर। तो माइनस और प्लस का साइन भी देख के करना होता है एग्जाम में, जब कंपटीशन में बैठोगे तो ये बातें भी याद रखनी पड़ेगी अपने को। अगर बस फॉर्मूला ये वाला रटना तुम है ना, ये वाला रट, इससे क्या होगा आपके साइन के साथ सुंदर सी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इसके लिए। अब इसमें क्या है, मान लो अगर मैं ऐसे बोल दूं और आपको करने के लिए दे दूं घर से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को, कि मैं ऐसे बोल दूं जैसे ये था ना 12 है, ये सब तुम्हें याद है, अभी करा देता हूं, देखते रहना। अगर ये जो मिरर है ये मिरर रेस्ट पे ना होके इधर चल रहा होता इस तरफ, और मिरर चल रहा होता मान लो, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखी है 2 सेंटीमीटर ही मान लो, सही है भाई, वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो जाती। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो भाई हिमांशु भाई जो मिरर आ रहा है वो लेफ्ट में आ रहा है ना इस तरफ, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो बताओ इस बार मिरर की रफ्तार कैसे लेते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, तो यहां पर आ गया -2 बराबर
माइनस वी, वी की वैल्यू 12 आई थी अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, अपॉन में यू माइनस 30 का स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट राइट की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट जा रहा है राइट की तरफ, तो राइट का मतलब इस तरफ, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का कितना 2 माइनस मिरर की वेलोसिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहां पर। अब देखो जरा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस में 4 बराबर माइनस 144 अपॉन में 900 इंटू में 4, बोलो सही है क्या? और ये कटेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा माइनस 144 4 एकम 4, अरे 4 × 8 4 × 8 हो गया, ठीक है, कितना बचा 10, 4 × 8 4 × 5 = 20। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो आ जाएगी यहां पर वो आ जाएगी माइनस 144 अपॉन में 225 माइनस 4। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी भी नेगेटिव आएगी लेकिन पहले से ज्यादा आएगी, पहले से ज्यादा हो गई ना इस बार, सॉल्व कर लेना भाई, माइनस 4.6 आ रही है, बहुत बढ़िया। तो भाई ऐसे ही बस ये याद रखना है, तो इसका मतलब अभी भी ये लेफ्ट की तरफ आ रही होगी इमेज। और एक और खास बात, अब ये इमेज देख कौन रहा होगा, ये इमेज देख रहा होगा ये खाली बंदा जो यहाँ वेला बंदा, ये जो वेलोसिटी आई है ये वेलोसिटी इमेज की आई है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कोई व्यक्ति ग्राउंड से देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आई है वाली, है ना। तो हमारी जो ये निकला करेगी वो कहां के रिस्पेक्ट में होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब हम इसको कहां से देख रहे होंगे, ग्राउंड से, कोई व्यक्ति खाली बंदा जब इसको देख रहा होगा, क्लियर है सबको ये बात। इस तरीके से आज वाली क्लास में आपका मिरर वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है जी। मिरर में आपको ये सब पढ़ना था बस। अब हमारा जो उद्देश्य है वो रहेगा रिफ्रैक्शन वाला पढ़ना, वही सारा पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन का, मतलब पूरी ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन से चलेगी, ठीक है जी। अगली क्लास में मिलते हैं, और मंगलवार से ऑफलाइन है ये आपको बता दिया, इसकी रिकॉर्डिंग रात तक भेजता हूँ मैं ना बच्चों। ओके सर, ठीक है भाई, सभी को टाटा बाय बाय, नमस्ते।